हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल जया साम ब्लॉग। तो दोस्तों, मैं हूँ अरुणाचल प्रदेश में और आज मैं सावन महीना का पहला सोमवार था तो इसीलिए मैं अभी भी भूखी हूँ और अभी जस्ट मंदिर से मैं आई हूँ। मंदिर से आई हूँ, अभी मैं सब काम मैंने करके गई थी, क्या क्या बनाना है आज मैं नहीं बनाना है तो अभी मैं बनाऊँगी। चाय भी नहीं पिया हूँ, अभी मैं चाय बनाऊँगी और सब लोग अभी आएंगे चाय पीने के लिए। तो इधर देखिए, मैंने काट के रखा है सिर्फ यही, ये कोचू है, हम लोग कोचू बोलते हैं ऐसे। तो मैंने मैंने बॉईल करना है, बॉईल करके इसको बनाऊंगी। और मैंने तीता करेला बोलते हैं ऐसे, तीता करेला, इसको भी तीता करेला मैंने इसको काट के रखा है, इसको बनाऊंगी। और दोस्तों, मैं काम करती हूँ, कैमरा बैक करती हूँ तो सही रहेगा। तो दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश का ही मिर्चा है तो इसमें बिल्कुल से झाल नहीं है। झाल का मतलब तीखा, तो ये बिल्कुल से भी तीखा नहीं है दोस्तों। तो इसको ऐसे ही मैं फ्राई कर दे रही हूँ, कढ़ाई बहुत हिल रहा है, मेरा कढ़ाई उलझ जा रहा है क्योंकि एक हाथ में मैंने कैमरा को पकड़ के रखी हूँ ना। तो ठीक है, मिर्चा का फ्राई। और इधर मैंने पत्ता गोभी काट के रखे हैं दोस्तों, तो पत्ता गोभी का भी इसको घंटों बनाऊंगी। पत्ता गोभी का घंटों हम लोग बोलते हैं बंगाली में, फ्रेश हो जाऊंगी। उसके बाद दोस्तों, खाना साना बनाने के बाद में सोच रहे हैं थोड़ा घूमने जाएंगे आज में, मौका मिला तो। क्योंकि दोस्तों, मैं अभी फ्रंट कैमरा इसलिए नहीं किया हूँ, नहाई नहीं हूँ, सिंदूर विंदूर नहीं है, अच्छा नहीं लगता इस तरह से कैमरा में आने के लिए। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के साथ में, खाना बना लेते हैं। ऑलरेडी ये फ्राई हो चुके हैं मेरे। तो दोस्तों, अभी सावन का महीना शुरू हुआ है तो इसीलिए प्याज लहसुन मीट मछली ये सब बंद है, तो निरामिष मुझे बनाना पड़ेगा। तो ये बांधा गोभी का घंटों बनाऊंगी और इधर में मैंने मिर्चा का फ्राई कर लिया है और दाल को, ये मूंग है भिगा के रखा है तो इसको भी मुझे बनाना है, इसका दाल बनाऊंगी दोस्तों। तो कुछ टाइम भीग जाए तो दोपहर के लिए हो जाएगा। तो दोस्तों, मुझे टमाटर, बहुत लोग टमाटर नहीं खाते हैं बांधा गोभी में, तो मुझे बहुत पसंद आता है टमाटर। और यहाँ पे तो लोकल टमाटर मिलता है, कोई खाद वाद इसमें नहीं दिया जाता है, खेती करते हैं। और पत्ता गोभी भी बहुत फ्रेश पत्ता गोभी मिलता है अरुणाचल में, पूरा खेत से ही लाया गया है ये सब चीज़, जो इसमें कोई खाद देने वाला, जो खाद दिया जाता है ना वो ख़राब करता है, मतलब जो केमिकल सेमिकल देते हैं, तो ये सब नहीं है, एकदम फ्रेश माल है। तो इसी का बहुत अच्छा लगता है सब्जी खाना। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के साथ में, तो कुछ टाइम बाद आपसे मिलते हैं, तब तक मैं कुछ कुछ काम कर लेती हूँ। तो दोस्तों, खाना साना मैंने बना लिया है और अभी मैं बच्चों को लेके, सामने में एक छोटा सा नदी है अरुणाचल का नदी, तो इस जगह में मैं आई हूँ छोटा छोटा कुछ रील बनाने के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए। तो यहाँ पर मैं रील सील बना लेती हूँ, उसके बाद चलूँगी घर। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगता है कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगने से इसको लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले दोस्तों। तो आप ही लोगों के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ, आप ही लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ, आप लोग भी मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं भी कुछ कर पाऊँ। क्योंकि मेरा कुछ सरकारी जॉब नहीं है, मैं कुछ काम नहीं करती हूँ, सिर्फ वीडियोस बनाती हूँ आप लोगों के लिए। और मैं तो एक हाउस वाइफ ही हूँ और यही सब वीडियो में बना रही हूँ, शायद इसी से कुछ आगे जाऊँ। तो आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं आगे भी नहीं जा पाऊँगी, आप लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए।
बहुत ज़रूरी है मेरे लिए दोस्तों आप लोगों का सपोर्ट। तो आप लोग इसी तरह हमें प्यार दीजिए, इस तरह से सपोर्ट बना के रखिए, तो आप लोगों के लिए और अच्छा अच्छा वीडियो बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। तो दोस्तों नेक्स्ट मिलेंगे आप लोगों से और एक नई वीडियो के साथ में, तो तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।